हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन अनीता। आज है 5 जून 2021, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं अपने गार्डन का छोटा सा टूर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास थोड़े बहुत पेड़ पौधे जरूर लगाएं, जिससे कि हमारी प्रकृति स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित रह सके। तो चलिए, आपको मैं अपने गार्डन में ले चलती हूँ और आपको गार्डन की सैर कराती हूँ। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सुंदर से कॉर्नर से। यहाँ पर कई तरह के रंग बिरंगे फूलों वाले छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं। ये पिंक कलर का डायंथस और ऑरेंज कलर का जरबेरा के फ्लावर्स इतनी गर्मियों में भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है, सुंदर सा प्यारा सा ऑरेंज कलर का फ्लावर। इधर मेरे हिबिस्कस के कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये अलग अलग कलर में हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ज़्यादा फूल नहीं खिले हुए हैं। थोड़ी देर में सारे फूल खिल जाएंगे। कभी कभी बहुत सारे फूल आ जाते हैं और कभी कभी एक दो ही आते हैं। आज तो बस एक दो ही फूल आए हुए हैं, कलियाँ तो बहुत सारी लगी हुई हैं। इधर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। इधर मैंने ग्रीन नेट का एक कर्टन लगाया हुआ है ताकि इनमें धूप कम लगे। गर्मियों के टाइम में इनको धूप से बचाना पड़ता है, नहीं तो इनकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। मैंने छोटी छोटी प्लास्टिक बॉटल्स का भी यूज़ किया है छोटे छोटे प्लांट्स को लगाने के लिए। अगर इस तरह हम बॉटलों को काट करके उसका रीयूज़ कर लेते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, तो हमारे घर में कम से कम कचरा निकलता है जो हम गार्बेज में डालते हैं। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इधर है मेरा हर्बल गार्डन। इधर मैंने कई तरह की हर्ब्स लगाई हुई हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए पुदीना लगा हुआ है। ताजे पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं यहीं से ताज़ा ताज़ा पुदीना तोड़ करके ले जाती हूँ। इधर एलोवेरा के कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इधर कुछ तुलसी और बेसिल्स के पौधे लगे हुए हैं। इधर एक पान का प्लांट लगा हुआ है, जिसमें से नई नई छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं और ये काफ़ी घना होता जा रहा है। पान भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला पौधा है। गर्मियों की तेज़ धूप से बचाने के लिए मैंने अपने सभी पौधों के गमलों को यहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे रख दिया है, जिससे ये गर्मियों की तेज़ धूप से बच सकें। इस प्लास्टिक की वेस्ट बकेट में मैंने 3 पौधे शिमला मिर्च के लगाए हुए हैं। इसमें से बहुत सारी शिमला मिर्च हमने तोड़ी हैं और फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, जिससे फिर से इसमें नई नई शिमला मिर्च निकल रही हैं। इस क्यारी में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें से बहुत से टमाटर निकल चुके हैं और बहुत अभी निकल भी रहे हैं। इस टब में मैं अपने किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करती थी और इसमें अभी बहुत सारे टमाटर के पौधे अपने आप उगाए हैं। सरप्राइज है मेरे लिए।
इनको मैं क्यारियों में शिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि मुझे बहुत सारे टमाटर मिलेंगे इनसे। और इधर है एक नींबू का छोटा सा पेड़, ये है एक नीम का पेड़ जिसकी कोमल ताजी ताजी पत्तियों को कभी कभी मैं ऐसे खा जाती हूँ। इधर है मिर्ची का पौधा जिसमें छोटी छोटी सी मिर्चियाँ आना शुरू हो गई हैं। उधर है एक सदाबहार का पौधा और इधर एक डबल चांदनी का पौधा, इसमें व्हाइट कलर के फूल आ रहे हैं। इस वाली मिर्ची में तो कम से कम 100 मिर्चियाँ आएंगी, ऐसा मुझे लगता है कि 100 तो आएंगी ही इसमें। इधर ये मल्टी पेटल रेड कलर का हिबिस्कस का पौधा है और ये है मेरे गार्डन का शो स्टॉपर, अनार का पेड़। इसमें बहुत सारे अनार आ रहे हैं अभी, बट ना ये पक नहीं रहे, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब पकेंगे, अभी बस ग्रीन ग्रीन से ही हैं। मैं तो बस इनके पकने का ही वेट कर रही हूँ कि कब ये पकें और कब हम इनको खाएं। एक और सफ़ेद चांदनी का पौधा, खुशबू तो नहीं आती इससे, लेकिन इसमें इतने सारे गुच्छे में फूल खिलते हैं ना, दूर से ही देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश की है। कई तरह की वैरायटी के कोलियस लगे हुए हैं यहाँ पे, कलरफुल। इस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा और भी सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। इधर मैंने प्लास्टिक के एक वेस्ट कंटेनर को पेंट करके पर्पल हार्ट लगाया हुआ है। नीचे हैं कुछ डायंथस के प्लांट छोटे छोटे से, और ये एक पाम की वैरायटी है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसकी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। यहाँ पर हम लोग फोटो सेशन करवाते हैं। हमारे गार्डन में एक चिड़िया का घोंसला भी है, आपको दिखाते हैं, चुपके चुपके से आइएगा, कहीं वो डर के मारे उड़ ना जाए। वो बैठी हुई है, धीरे धीरे से चलते हैं उसके पास में। देखिए कैसे आराम से बैठी हुई है अपने घोंसले में, ब्लैक कलर की सुंदर सी चिड़िया। जब भी मैं अपने गार्डन में आती थी तो ये चिड़िया मेरे हिबिस्कस ट्री के चारों ओर घूमती रहती थी और तिनका तिनका जोड़ करके अपना घोंसला बनाना इसने शुरू कर दिया था। करीब 8-10 दिनों में इसने अपना घोंसला तैयार कर लिया था और आज देखिए कितने मजे से बैठी हुई है। आई विश ये इसी तरह खुश रहे और सुरक्षित रहे। इस घने से हिबिस्कस ट्री के नीचे लगा हुआ है एक डेबल बैकबोन का प्लांट और साथ ही लगा हुआ है ये एक ड्रेसीना, ये शेड लविंग प्लांट है। और पीछे मैंने कंटेनर में कुछ DIY करके कोलियस लगा दिए हैं। इधर ये कुछ स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, इनके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकले हैं। स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माना गया है। और ये मैंने कुछ DIY करके हैंगिंग्स लगा दिए हैं। और ये एक और हिबिस्कस का, मल्टीपेटल हिबिस्कस का प्लांट है। अब मैं आपको अपने घर के पीछे का गार्डन दिखाती हूँ। इधर के हिस्से में मैं मोस्टली वेजिटेबल्स लगाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लगाया है। मैंने इधर लगाई हुई है भिंडी, जिसे आप ओकरा या लेडी फिंगर भी बोल सकते हैं। ये इधर लगी हुई हैं, बहुत सारी लगी हुई हैं और इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। जल्द ही इसमें से बहुत सारी भिंडी निकलेंगी। और ये एक और नीम का पेड़ है बड़ा सा, और साथ में एक पीपल का पेड़ भी है बगल में। नीम और पीपल के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसे पेड़ों को अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।